We will start our third comprehension of chapter 28 in English, that is comprehension. So here the passage is given and we have to read it carefully. Read the following passage carefully. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months. Deserts yani jo aapko hindi mein hum kehte hain marusthal kehte hain. Deserts yani jahan ped paudhe bahut kam hote hain, veeran si jo jagah hoti hai, retili jagah hoti hai, ret kafi hoti hai yahan par. To deserts jo hain wo kafi sukhi jagah hote hain earth pe aur kabhi kabhi ye mahinon ke liye aur kabhi kabhi saalon ke liye sukhi jagah jo hain wo bane rehte hain without rain, pani जो है यहाँ पर बारिश जो है नहीं होती है, बहुत बार ऐसा होता है. बट द एनिमल्स लिविंग इन दीज एरिड रीजन्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन यहाँ जिस इस एरिड रीजन में जो एनिमल्स हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकते हैं और फॉर लॉन्ग पीरियड्स और यहाँ तक कि लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं. इन द ब्लेजिंग सन यानी ब्लेजिंग यानी काफ़ी प्रखर यानी तेज धूप में. एंड सो दे हैव टू फाइंड वे ऑफ कोपिंग विथ दीज हार्श कंडीशंस. तो उन्हें ये ज़रूरत होती है कि वो ऐसे कठिन जो परिस्थिति है, कठिन कंडीशन है, इसके साथ वो मुकाबला कर सके, इसका कोई जरिया वो खोजे. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्बल्स जो हैं ये एक बरोइंग माउस लाइक रोडेंट डैट इज़ स्पेशली अडेप्टेड टू लिविंग इन एरिड कंडीशंस फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पानी की कमी है और काफ़ी हार्श कंडीशन है वहाँ पे पाए जाने वाले एक तरीके का माउस है. ये स्पेंड करते हैं गर्बल्स जो हैं ये स्पेंड करते हैं द डेज हॉटेस्ट पार्ट इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज है. यहाँ पे अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे जो कह सकते हैं, यहाँ पे एक होल जो कि एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसमें ये काफ़ी समय गुजारते हैं जब काफ़ी गर्मी का जैसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. इन कूल अंडरग्राउंड्स ठंडे होता है जहाँ पे छेद बना के ये रहते हैं इनके जो भी होल्स होते हैं, तो ये गर्म जब ज़्यादा होती है दिन के समय में तो ये ऐसे जगह पर रहने के लिए चले आते हैं. द डार्कलिंग बीटल्स जो डार्कलिंग बीटल्स हैं वो जो हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट्स काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर कि वो छोटी सी छोटी बूंद जो है मॉइस्चर की नमी की अपने लेग्स पर वो ले लें, कैच कर लें. देन लिफ्टिंग देम उसके बाद उन्हें उछालें, लिफ्ट करें देम इनटू द एयर, एयर में अनटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल जब तक कि जो ड्रॉप्स है वो ट्रिकल यानी कि टपकना यानी बूंद बूंद करके जो टपकता है, जब तक कि वो ड्रॉप जो है टपके ना डाउन देयर माउथ्स उनके मुंह में जब तक ना जाके गिरे तब तक वो ऐसी प्रक्रिया करते हैं. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. यहाँ तक कि सारे डेजर्ट्स जो हैं वो एंडलेस सीज यानी कि कभी भी ना ख़त्म होने वाले समुद्र के